आ राजिया की शिकारगाह होंगी सी धौलपुर वाले राजिया की ना यह सारी शिकारगाह होंगी सी पुराने अवशेष बचे हुए सू नज़र आ जाएंगे। यदा निर्माण जी है वन विहार कोठी कहें इनू यदा निर्माण उदय भान सिंह ने किया धौलपुर रियासत का राजा से उदय भान सिंह जिहड़ा कि नाभा रियासत दे विच व्याहिया होया सीगा ते पंजाब दे नाल भी संबंध सी ते इह है कित्थे आ राजस्थान दे विच आ राजस्थान दे विच धौलपुर रियासत आ एक पासे राजस्थान यूपी ते मध्य प्रदेश का बार्डर लगता वा आ इस वक्त ये जिहड़े परले पासे झील आ कमल के फुल खिड़े हुए सानूं दिस जाणगे उस झील दे विच 16 मगरमच्छ रहिंदे आ। आज इधरले पासे चले गए आ परले पासे झील नज़र आ जाऊगी उस दे विच 16 मगरमच्छां दा जिक्र मिलदा वा। हुण वन विभाग वालों तों पुछिया 1955 दे विच वन विभाग ने इहनूं आपदे अंडर लै लिया सी इस क्योंकि ये जंगली एरिया सीगा मतलब एक स्पैशल रिजर्व कर लिया सी एरिया। आओ इधरले पासे चले गए उदय भान सिंह दे मतलब वेले दी बनी हुई कोठी आ पुराने खंडर ने आह उत्तर शिकारगाह से उत्ते चढ़ जाते उत्थों फिर मतलब फायर करके शिकार करते रहते होंगे सके इतने बहुत खतरनाक जानवर होंगे सके आदि अरे बरे गोपी सही बरे शेर चीते तो भालू तो लक्कड़ बग्गा इन्हों का जिक्र मिलता वो तो हजे भी मतलब चीते चूते तो हजे भी मिल जाते भालू भी मिल जाते आह पुरानी इमारत थोनू साफ तौर पर नज़र आजूगी ये दूजे पासे कोठी बनी हुई है जी दूजी बाद हैगा पुराना निर्माण क्योंकि जी धौलपुर रियासत आ इनू पहला वसाया सीगा धवल ने राजा धवल देव ने धवल ने धवलपुरी वसाई से उत्थे पर ना बिगड़ा बिगड़ा धौलपुर हो गया सीगा। आज इधरले पासे देखिए आज इधरले पासे पानी वाहवा हो गया करके मगरमच्छ दिखाई नहीं देने ते 1806 ईस्वी अंग्रेज़ों ने इनू एक रियासत घोषित करता सीगा उदों राजा कीरत सिंह इस रियासत का मालिक बनया सी। आ कमल दे फुल खिड़े हुए सानूं साफ तौर पर नज़र आ जाणगे आ झील दे विच दी है ना इधरों दिखा दिओ भी इधरले पास वो दूर तक फैलिया होया जंगल ही जंगल सूँ नज़र आऊगा तो अज ये बारे इतिहास की गलबात देखना आ। ये स्थान कितने आ धौलपुर तो 16 किलोमीटर दूर बारी आ बाड़ी वाले रोड के उत्ते आ जाता वा तो इस एरिए आप पहुँचे हुए हैं काफ़ी खंडर इमारत हो चुकी आ थोड़ा जहा बचा के सप्पां का घर आए तो जाँच असी कर ली सी पहला आ देखो पत्थर दिया पिलर से खड़ी हुई इमारत आ वो उत्तर दस रहा ना थोनू गुम दिया एक वो थान से उच्चे थान पर बैठ के शिकार करते होंगे सी थले मतलब रहन मन मीह नेरी आए तो पैण वास्ते कह सकते हैं कि बरांडे की तरह काम आता सी उत्ते शिकार लई उत्ते वैरल भी पाई हुई है मतलब शेर वगैरह कोई खतरनाक जानवर आ जाए तो सुराख दे विच दी गोल रफल कढ के फायर कर देंदे होंदे सीगे। आ देखो सारा पत्थरों का ही बनया हुआ एरिया है बांदर वगैरह बहुत फिर रहे इधरले पासे आ देखो इंटरलॉकिंग सिस्टम दे नाल बनया हुआ है सारा ढांचा वा झील भी हैगी इधर किनारे ते आजो ये दूजे पासे दूजे भाग वाले पासे भी आपां चल के आउने आ। आ देखो इधरले पासे पत्थरों की बनी हुई कोठी आ इनू वन विहार कोठी कहिंदे आ असल च पूरा नाम इहदा इह आ वी वन विहार कोठी इत्थे 200 तों वध किस्मां पंछियों दियां वा शेर चीते भालू सांबर इत्थे आम पाए जाते एक खंडर हो चुकी है इमारत पुरानी बनी हुई सी उदय भान सिंह वेले दी उदय भान सिंह व्याहा सीगा कित्थे तो अपना नाभा रियासत दे विच इन्हां दे कोई जवाक नहीं सी पुत्तर नहीं सी कोई तो इन्हां ने फिर महाराजा प्रताप सिंह जी होए ने नाभा रियासत दे विच उन्हां दा तीजा पुत्र हेमंत सिंह नूं गोद लिया सीगा वो फिर व्याहा सीगा वो इत्थों इन्हां ने गोद लै लिया सी उहदा व्याह फिर वसुंधरा राजे नाल होया सी जिहड़े कि ग्वालियर परिवार दे विचों आ जाओ इधरले पासे ग्वालियर परिवार के सिंधिया परिवार ग्वालियर रियासत के सिंधिया परिवार के छत्तां डिगणियां शुरू हो चुकिया वा मतलब इत्थे कोई ना कोई डिपार्टमेंट भी रहा होगा। आ जाओ इधरले पासे वन विहार कोठी कहिंदे आ इहनूं खंडर हो चुकी इमारत आ इत्थे आ जाली वगैरह लाई हुई है इत्थे इधरले पासे मतलब मुलाजम खिड़कियां बारियां सब कुछ टुट चुकिया तबाह हो चुकिया वा आज घने जंगल इधरले पासे आ गया परले पासे जंगली जंगल शायद इतों की आप देखिए आज तुरे आओ तो अगों फिर इतों कैमरा कढ़ के बाहरों दिखा दो भी किस तरीके का दृश्य नज़र आऊगा मतलब अड अड इस तरीके ममटियां जी बनिया हुई थोड़ू नज़र आ जाएगी जितों के राजे आसानी के नाल बाहर शिकार कर सकते होंगे सके आज गोपी फिर इधर होर दिखा दिए ये गोल चक्कर जहा वा एक गोल जहा अड्ड थावान पर मोर्चा इतों फैर करना वा इधरों करना अलग अलग थावान तो बारियां दित्तियां हुई आ जाओ हाँ इधरले पासे वाशरूम वगैरह बने हुए आ ते आ फिर एक कमरा सीगा छत्तां दे विच की सीगे पट्टियां पाईयां हुई पट्टियां जिन्हों कह दिंदे आ ना पत्थर दियां स्लेटां पाईयां हुई वा ते इधरले पासे निकलेगी
तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हुई पई है इस इमारत की। तो इधरले पास क्योंकि जो पेड़ पौधे लाने का अभियान चलाया हुआ उन्होंने कपड़े कुपड़े इतने टंगे पे आ हूँ। खैर तो आप परले पास चल के आने तो आ बारला पासा आ गया छज्जे जे बने हुए आ धौलपुर रैड डायमंड सिटी कहिंदे आ। रैड डायमंड सिटी क्यों कहिंदे आ? इत्थे कीमती लाल पत्थर पाया जाता वा। आ सारी इमारत देखो हुई पत्थरों के नाल ही बनी हुई आ। तो इधरले पास फिर एक झील आ गई वन विहार का एरिया है। इधरले पास फिर झील आ गई। इत्थे जिन्ना भी लाल किला दिल्ली का लाल किला आगरे का राष्ट्रपति भवन पार्लीमेंट दिल्ली ये सारे मतलब इमारतां इत्थों दे लाल पत्थर दे नाल ही बनिया हुई ने। इन्नी खासियत सी रब ने इन्हां नूं दात पत्थर की बख्शी सी ते पत्थर इन्हां ने सुचजे तौर पर वरत लिया। वह तां गुबंध साफ तौर पर सानूं नज़र आ जाणगे। मतलब काफ़ी रमणीक थां सी इह जिथे मतलब ये रियासत वसी हुई आ। मतलब क्योंकि असल दे विच इस रियासत ने ना पंजाबियों नूं भी इत्थे सद्या सीगा। पंजाबियों ने सद के इत्थे कह सकदे कि उन्होंने जायदादां दित्तियां ते इत्थे फिर उन्होंने मतलब राजियां ने पूरी शह दित्ती पंजाबियों नूं भी तुसीं कामयाब होवो। मतलब पूरी मदद की सीगी। तो जिहड़ी गल करिए उहदे भान सिंह दी इन्हां दा जन्म 1893 ईस्वी दे विच होया सी ते 1911 दे विच धौलपुर दे राजा बणे सीगे। तो तुहानूं मैं मोटी जी मोटी जानकारी दित्ती आ। तो उहदे भान सिंह जी मतलब 1954 ईस्वी दे विच पूरे होए सीगे ते व्याहे इह नाभा रियासत जिवें कि मैं पहलां दस्सिया होया वा। आ देखो बहुत खूबसूरत आलीशान इमारत धौलपुर शहर तो 16 किलोमीटर की दूरी तो बाड़ी वाले पासे नूं आवांगे है ना। गांह किला भी हैगा देव हंसगढ़ किला कहिंदे सूजा देव हंसगढ़ किला भी कहिंदे आ उस एरिए दे विच सी। ये वड्डे वड्डे रुख मीह नेरियां ने पट के सड़ते थले है ना। तो आह इधर कमल के फल सू नज़र आ जाएंगे लगे हुए आ। मतलब तो ये 16 मगरमच्छ रखे रखे तो कहते आपदे आप ही आ क्योंकि वन विभाग ने गिणती की सी। जिहड़े घड़ियाल होंगे वो सरकार पालदे तो उई हो आ जाते हैं तो वह उसनों कोठी दूर नज़र आऊगी। तो इधरले पासे मतलब आह शिकारगाह सी वन विहार कोठी कहते हैं इनू। सो दर्शको ये धौलपुर रियासत सी मध राजस्थान के। अगली बार नवा विषय लैके मिलते हैं। मेहरबानी धन्यवाद।